एचकेआरएन के तहत हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापक आज सीएम आवास पर पहुंचे हैं। क्या कुछ उनकी मांग है हमारे साथ, संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मुद्दा है जिसको लेकर आज यहाँ पहुंचे? सर, जो अभी मैं सर मुकेश सैनी, और जो मांग हमारी रहने वाली है, सरकार ने अभी एक पॉलिसी बनाई है सर। उस पॉलिसी के तहत लगभग जितने भी पार्ट वन, पार्ट टू या आउटसोर्सिंग पॉलिसी से लगे हुए थे, उन सब साथियों को सर पक्का किया गया है। लेकिन साथ में एचकेएन का नाम भी लिया गया है, लेकिन एचकेएन के साथ में नीचे एक पॉइंट जोड़ दिया गया है कि जो 5 साल की जॉब क्लियर करते हैं उनको ही इसमें शामिल किया जाएगा। तो हम सरकार से यही चीज़ कहने आए हैं कि जो भी हमारे पास में है, आपने जो भी क्वालिफिकेशन रखी है उससे ज़्यादा हमारे पास में क्वालिफिकेशन है, तो हमें भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। क्योंकि आप पुरानी सरकारें उठा के देख लीजिए सर, उन्होंने 89 डे के कर्मचारियों को, 3-3 दिन के कर्मचारियों को भी पक्का किया सर, और हमें तो लगे हुए फिर भी सर 2 साल हो गए हैं जी। तो हम पहली डिमांड यही लेकर आए हैं कि हमें इसके अंदर पक्का किया जाए। और पिछली बार भी हमने जो सहगल जी आए हैं उनको एक ज्ञापन सौंपा। आपको क्या लग रहा है कि यदि इस ड्राफ्ट में आप शामिल नहीं है तो आप जो 9200 के करीब अध्यापक है उनको बाहर कर सकती है सरकार? सर, ऐसा मतलब है नहीं, हो रहा है हमारे पास में। क्योंकि अभी सर लास्ट कुछ दिन पहले ही अभी रिजल्ट आया सर, 2-3 दिन पहले, उसमें हमारे लगभग 150 अध्यापक प्रभावित हुए हैं सर उसके अंदर, और 134 अध्यापक हमारे पहले प्रभावित हो रहे हैं। तो इसका मतलब 300 साथी अभी हमारे हाल फिलहाल में प्रभावित है। तो सरकार करेगी कि 5 साल के बाद में पक्का करेंगे, क्या पता हम 5 साल तक रहें ना सर। भाई सरकार ने खुद एक पौधा लगाया है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि आपका लगाया हुआ पौधा है जी, तो आप जो पुरानी लोगों का लगाया हुआ पौधा आप उनको सहज के रख रहे हैं जी, उनको आगे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आपके लगाए हुआ पौधा ऐसे मुरझा जाएगा, या मतलब सड़कों के ऊपर जैसे हमारे साथी बैठे धूप में बैठे हैं, कोई पानी का नहीं पूछ रहा सर, कुछ भी नहीं है, और कोई सुन नहीं रहा जी अंदर से, तो सुनवाई नहीं कर रही सरकार। तो जिस तरह से आप लोग हाईली क्वालिफाइड हैं सारे, जाहिर सी बात है जो स्कूली शिक्षा है उस पर तो एक गहरा असर आपके जो उसके बाद हुआ होगा, लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है इसके, इससे सरकारी स्कूलों की शिक्षा नहीं प्रभावित होगी? बिल्कुल प्रभावित होगी जी, मैं खुद नेट क्वालिफाई हूँ जी, लेकिन एचकेएन के अंदर लगा हूँ, लेकिन इस उम्मीद से कि सरकार हमको शायद जॉब सिक्योरिटी दे दे। लेकिन ये जो सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, मतलब इनका कहने जो इन्होंने बोला, भाषणों में कुछ दे दिया, मीडिया के सामने आकर कुछ बोल दिया, लेकिन साथ में मुख्यमंत्री का जो ट्विटर हैंडल है उसके नीचे एक लाइन आती है, भाई इसके अंदर शामिल वो लोग होंगे जो 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके होंगे। अब 5 साल हमारा तो बना हुआ है, संगठन ही 2 साल का हुआ है, हम 5 साल कहाँ से लेकर आएंगे? तो इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि एचकेएन में जितने भी टीचर लगे हुए हैं, चाहे उनको 6 महीने हुए हैं चाहे साल हुआ, सभी को इसके अंदर शामिल किया जाए। क्योंकि जो टीचर होता है वो एक राष्ट्र निर्माता होता है, और आज ये राष्ट्र निर्माता सड़क के ऊपर बैठा हुआ है अपनी उस समस्या को लेकर, जिससे न जाने कितने और भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल हमारे छूट चुके हैं, क्यों? क्योंकि हमने ये लगा भाई ये अच्छा सरकार है, सरकारी संगठन है, और इस संगठन में हम शामिल होकर कुछ ना कुछ आगे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब हमको 6 महीने हुए हैं लगे हुए, और अब कल की बात ही है, कल हम नौकरी करके आए, 2:30 बजे तक हमने साइन कर लिया हमारी पूरी नौकरी, लेकिन शाम को आकर जब MIS का पोर्टल देखा, वहाँ हमारी SST की पोस्ट को खाली कर दिया गया, 0 दिखा दी, उसकी जगह इंग्लिश की पोस्ट वैकेंट वो बना दी, भाई यहाँ तो इंग्लिश लगेगा, SS यहाँ से चला जाए, अब हम कहाँ जाएंगे? जबकि स्टेट भी SS का होता है, पढ़ाई भी SS की होती है, BEd में भी पढ़ाई SS की करवाई जाती है। जब आप ये सिस्टम ही बंद कर दो, फिर जब आपने SS के टीचर लगाने ही नहीं है, तो आप इंग्लिश बोल दो सीधे, बस हम तो इंग्लिश लगाएंगे। यहाँ आए हैं कौन कौन से जिले से आए हैं, और क्या अगली रणनीति रहेगी यदि आज सरकार आपकी मांगों पर को ध्यान दें? यहाँ हरियाणा के सभी 22 डिस्ट्रिक्ट से स्टाफ आए हुए हैं, और उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर। सरकार को चाहिए कि जो कर्मचारी भले ही 1 दिन से भी लगा हुआ है, उसकी भी जॉब गवर्नमेंट को सिक्योर करनी चाहिए, और जो कि पिछली सरकारों ने किया भी है, तो ये BJP सरकार क्यों नहीं कर सकती? इनका पास भी पूरी पावर है। और दूसरी बात, हर एक टीचर जो लगा हुआ है संस्थान के अंदर, उसके पास में SSTET क्वालिफाइड है, उसका CT क्वालिफाइड है, और ऑल दोज क्वालिफिकेशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर ए टीचर। हाँ, और मोस्ट ऑफ टीचर्स हु हैव वेल एक्सपीरियंस एंड दे आर हाईली क्वालिफाइड, सो वाई दे शुड नॉट कम इन टू द रियल पिक्चर? उनको भी इस फील्ड में पक्का होने का पूरा अधिकार है, राइट है। तो जो ड्राफ्ट आया है इसी को लेकर जो सबसे बड़ी आपत्ति हुई है? हाँ जी, सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर क्या लागू कर दिया कि जैसे 5 साल वाले हैं उसी को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी, लेकिन एचकेएन जो
आई है इसके अंदर कोई भी शामिल नहीं होगा अमला को। एस के अनवल तो ये जो एस के अनवल आना ये 2022 में आया है और 2022-23-24 लग गया, हम तो फिर इसके अंदर है शामिल, लेकिन शामिल हम तो होने चाहिए मेन तो खुद मनोहर लाल खट्टर ने सैन ने अपने हाथों से हमें लगाया है, लेकिन अब हम रोड पर ऊपर हैं। तो बिल्कुल देखिए बड़ा सवाल ये है कि सरकार एचकेआरएन लेकर आई थी और अब जो सरकार की तरफ से नौकरियों के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें एचकेआरएन को ही बाहर कर दिया गया क्योंकि उसमें 5 साल न्यूनतम जो है एक्सपीरियंस की शर्त रखी गई है और इस शर्त में एचकेआरएन के कर्मचारी नहीं आते। तो जो बात कही जा रही है कि 1,20,000 ऐसे कर्मचारियों को जो कच्चे हैं उनको पक्का किया जाएगा उसमें एचकेआरएन के कर्मचारी बाहर रह सकते हैं क्योंकि अभी तक का जो सरकार का नियम है उसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है जबकि प्रदेश में एचकेआरएन को बने हुए ही 2 साल हुए हैं। तो ये बड़ा झटका है, आखिर ये जो शर्तों में जो लागू करके जो उलटफेर किया जा रहा है तो ऐसे में महज ये सिर्फ वादा है या सरकार वाकई में ऐसे कर्मचारियों को पक्का करना चाहती है? यदि पक्का करना चाहती है तो सवाल उठाया जा रहा है तो उसके अंदर इस तरह की शर्तें क्यों लागू की हैं, तो बड़ा सवाल है। और लेकिन जिस तरह से एचकेआरएन के अध्यापक ये आज हड़ताल पर है इसका सीधा असर सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर जरूर पड़ेगा क्योंकि ये जो हाईली क्वालिफाइड टीचर है यदि ये शिक्षा के उससे बाहर होते हैं तो जाहिर सी बात है जो लाखों बच्चे हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी शिक्षा पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक अवश्य करें और देखते रहिए हरियाणा आज। नमस्कार।